मैं कितना पैसा कमाती हूँ वो बाद में बताऊंगी, आपको क्या लगता है मैं कितना पैसा कमाती हूँ वो कमेंट पे पहले बताओ। सब्सक्राइबर मेरा बनाना ही पड़ेगा, तो ये मैंने टारगेट स्टार्ट किया। उसके बाद एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऐसा आया, अब से 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मीशो से मैंने 3 सेट का इयररिंग मैंने खरीदा था, और जो मैंने खरीदा था वो मुझे 200 या उससे थोड़ा ज़्यादा में मैंने रिसीव किया था, पर वो मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे, एक शायद 30 और 40 रुपीज़ में ऐसे मिल रहा था। तो वो जब वो वीडियो बहुत ही वायरल हो चुका है, मैं आपको शायद स्क्रीन में दिखा दूंगी कि वो वीडियो कैसा वायरल हो चुका था, वो 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचा। क्यों पहुँचा? क्योंकि जो लोग मेरे ये वीडियोस मतलब देख रहे थे वो यही कमेंट कर रहे थे कि मैंने जो मीशो से लिया है वो मैंने मतलब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पैसे से मैंने उसे मंगवाया है, मार्केट में इससे भी कम प्राइस में मिलते हैं। फिर इसके बाद मुझे कोई गम नहीं हुआ कि मैंने इसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पैसे से खरीदा था, मुझे इस बात की खुशी हुई कि इस वीडियो के वजह से मेरा वो वीडियो 2 मिलियन तक पहुंच गया, जो कि अब तक मेरा वीडियो में से सबसे सक्सेसफुल वीडियो वही था। तो उससे उसी वीडियो से मेरा सब्सक्राइबर जो काउंट है अभी आप कुछ 4000 के आसपास हो चुका है। तो अभी मैं बताती हूँ कि आपको सब्सक्राइबर मतलब जो YouTube में इनकम होना ज़रूरी होता है वो आपको मतलब क्यों ज़रूरी होता है, मतलब कैसे आप इसे कर सकते हो। तो सबसे पहली जो बात है वो है आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो वो तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। अभी मुझे पैसा मिलना स्टार्ट हुआ है या नहीं, इसके लिए मुझे एक और उनके जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या दिया गया था, वहाँ पर बोला था उन्होंने कि 4000 आवर आपको चाहिए, वो जेन्युइन आवर होना चाहिए, जो भी वीडियो में आपके कॉपीराइट आए हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, जो भी आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं होंगे, शॉर्ट्स के जो वॉच आवर है वो यहाँ मतलब नहीं काउंट होना होगा। तो मेरा जो अभी 4000 मतलब 2 मिलियन जो व्यू गया है उसका वीडियो, उस वीडियो में लगभग 22 या 21 हज़ार मतलब वॉच आवर हो चुका है। ये वॉच आवर अगर मेरे मेन वीडियोस में से आते तो मुझे शायद अभी इतना अभी तक शायद नहीं ये डेफिनेटली था कि मुझे अभी तक मेरा इनकम आ चुका होता, तो अभी तक मेरा इनकम नहीं आया है। इसकी यही वजह है कि मैं अपना जो वॉच आवर है वो कंप्लीट नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे बड़े से बड़े वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है, वो मैं नहीं डाल रही हूँ, और जो डाल रही हूँ कुछ वीडियोस में अभी व्यूज आना शुरू हुए हैं, अभी तो मेरा अभी 1 महीने में मेरा सब्सक्राइबर इतना गेन हुआ है, तो अभी मेरा वॉच आवर थोड़ा थोड़ा बढ़ने स्टार्ट हुआ है, अभी लगभग मेरा वॉच आवर 800 तक पहुंच गया है 2-3 महीने में। और अभी और पहले मुझे पता भी नहीं था कि कॉपीराइट क्या होता है और कैसे पैसे मिलेंगे, ये वॉच आवर क्या होते हैं। और एक बात, अगर आप YouTube स्टूडियो से देखते हो कि आपका YouTube स्टूडियो में जो एनालिसिस में आपके लास्ट 365 डेज में आपका वॉच आवर हो चुका है तो वो काउंट नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके क्रोम ब्राउजर से वहां से youtube.com में जाके वहां से आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडियो में जो आपको दिखाया जाता है वो आपके शॉर्ट्स प्लस कॉपीराइट सब कुछ इंक्लूड करके दिखाया जाता है, आपका टोटल दिखाया जाता है, इससे आपको कोई इनकम नहीं होगा। और अभी एक स्टूडियो में एक नया वाला एक फीचर्स चालू है, नीचे एक देखना आप यूट्यूब स्टूडियो को अगर आप डाउनलोड करते हो तो नीचे एक सिंबल 3 ऑप्शन रहते हैं 3-4, वहाँ एक डॉलर का सिंबल दिया रहता है, उसे अगर आप क्लिक करोगे वहाँ पर एक वॉच आवर आपको दिखाया जाएगा, उसी से आपका इनकम ज़रूर आएगा। तो यही था आज का हमारा वीडियो, आपको जाना था कि मुझे पैसे मिलते हैं या नहीं, तो हाँ मुझे पैसे बिल्कुल नहीं मिले हैं, अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है, मैंने बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अभी मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं अभी और आगे अभी बिना इनकम के मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ।
तो यही बात है, अगर आप अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हो तो इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपको बहुत ही पछताना होगा। अगर मुझे ये पहले से पता होता कि पहले मतलब इस साल के 2022 के जनवरी में पता होता कि वैलिड वाचा और क्या होता है, तो शायद मैं अभी तक 4000 अपना टारगेट फिक्स करके उसे क्रॉस भी कर लेती। पर अभी ऐसा नहीं हो सकता है, अभी मैं बहुत बिजी हो चुकी हूँ, शायद 1 महीने तक मैं वीडियो ना डाल पाऊँ। तो आज बहुत कुछ दिनों से बहुत मार्केट मतलब डेली मार्केट, आज भी मार्केट गई थी, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आपको दिख रहा होगा मेरे डार्क सर्कल आ चुके हैं। तो अभी मैंने सोचा कि वीडियो तो डालना जरूरी है, तो ये टॉपिक बहुत ही रिक्वेस्टेड था तो मैं इसे डाल सकती हूँ। और मैंने आज कुछ मेकअप भी नहीं किया, मेरा बिल्कुल मन नहीं आज मेकअप करने का। तो मेरे वीडियोस में अगर आप सबको कुछ भी और भी जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और आगे कौन से वीडियो आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हो उसे भी ज़रूर बताना, मैं उनको भी ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे मुझे अभी भी आ चुके हैं, पर मैं उनकी रिक्वेस्ट अभी रख नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत बिजी हो चुकी हूँ। अभी कुछ दिनों बाद से लगभग 1 महीने की छुट्टी आप समझो कि थोड़ा सा मैं अपने काम जॉब से थोड़ा सा टाइम को चुरा रही हूँ कुछ पर्सनल मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। आगे फिर 1 महीने बाद मैं एकदम रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट करूंगी, कोशिश करूंगी प्रोफेशनल यूट्यूबर बनने की। और हाँ, मैंने अपना टारगेट का जो गोल सेट किया था ना अपने ड्रीम का, वो भी आप भी सेट कर लेना तो आपको बहुत ही इजी होगा आपको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सब लोग ठीक रहना, अगले वीडियो में मिलते हैं।